हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना। वेलकम टू यमी ट्रीट्स विद मीना। आज हम बनाने वाले हैं जामुन से केक, वो भी व्हीट फ्लावर से। जी हाँ, मैदे से नहीं बनाएंगे हम। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से 200 ग्राम जामुन लिए हैं और इसको इस तरह से हम छीलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। हम बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आते हैं वेडनेसडे और सैटरडे को। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको, उसका जो ऊपर का पल्प है वो निकाल लिया है और हम इसको एक पैन में, गर्म पैन में डालेंगे और इसको हमें कुक करना है। इसका कंसंट्रेट बनाएंगे हम। तो देखिए, इसके साथ साथ मैं इसके अंदर आधा कप जो है वो चीनी का डालूंगी और इसको हम इसी तरह से थोड़ा सा कैरमलाइज होने के लिए पका लेंगे। हम इसको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से हिला के पकाएंगे। आप इसको हिलाते रहें ताकि ये नीचे नहीं लग जाए, क्योंकि चीनी जो है जल्दी चिपक जाती है। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह उबाल कर रिड्यूस कर लेंगे। हमें इसको एकदम रिड्यूस कर लेना है। तो देखिए, इस तरह का हमारा कंसंट्रेट जो है वो बन के आ जाएगा। इसको हम ठंडा कर लेंगे बाहर निकाल कर। तो ये देखिए, इस तरह से जूस निकल जाएगा इसका और इस तरह से पल्प भी निकल आएगा। तो केक बनाने के लिए यहाँ पर हमने दही लिया है। तो देखिए, दही मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है और इसके साथ साथ हम इसके अंदर 1/4 कप जो है वो रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल टेम्परेचर पर बटर भी डाल सकते हैं, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड, कोई भी बटर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके साथ साथ हम इसके अंदर 3/4 कप जो है वो पाउडर शुगर डालेंगे। आप इसको छान के डालें। कई बार चीनी के अंदर थोड़े से ग्रैनुल्स होते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप इस तरह से इसको छान कर और ग्रैनुल्स को निकाल दें। अब हमें इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि चीनी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक फ्लफ़ी सब जो है हमारा बैटर बन जाए। तो देखिए, साथ साथ में हम यहाँ पर जो हमारा कंसंट्रेट हमने बनाया था उसको हम थोड़े से आटे के अंदर, लगभग 2 चम्मच आटे के अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम इसको केक के अंदर डालें तो ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं बैठ जाए और ऊपर वाले पोर्शन में भी जो है इसके क्रंच आ जाए। मुझे, आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस भी सकते हैं और इसका प्योरे भी डाल सकते हैं, पर मुझे इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, अब हम इसमें पाउडर डालेंगे। तो इसके लिए हमने 1 कप आटा डाला है और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर जो है थोड़ी सी इसके अंदर सूजी डाल रही हूँ। अगर आप सूजी से बनाना चाहते हैं तो आप एकदम बारीक सूजी ले और 1 कप पूरी की पूरी सूजी ले सकते हैं, या मैदे से बनाना चाहते हैं तो आप मैदा भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है और इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। आप इसको छान कर ही डालें, सीप कल कर डालें। तो ये देखिए, इस तरह से हम छान लेंगे। आप इसको हाफ़ प्रोपोर्शन में भी बना सकते हैं, हाफ सूजी और हाफ आटा, तो दोनों तरह से काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए, इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो है हमारा कंसंट्रेट का जूस जो है वो डालती रहूँगी। थोड़ा सा मैंने पल्प रखा है बाद में डालने के लिए और जूस हम इसके अंदर साथ साथ में डालते रहेंगे। तो इसका कलर जो है वो थोड़ा सा पर्पल नहीं, ब्लू आता है, थोड़ा सा ब्लूइश सा लाइट ब्लू कलर रहता है इसका। तो इसीलिए मुझे इसके अंदर इसके चंक्स डालना ज़्यादा पसंद है। तो हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और थोड़ा सा कंसंट्रेट डालकर हम इसका जो है एक अच्छा सा थिक बैटर बना लेंगे। और लंप फ्री होना चाहिए, आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है। हमें सिर्फ इसको जेंटली मिक्स करना है, आटे को बहुत ज़्यादा जो है मिक्स नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसमें से ग्लूटेन रिलीज़ हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से ये हो गया है और हम इसके अंदर हमने हमारा जो जामुन और जो कंसंट्रेट हमने मिक्स किया था आटे में वो डाल देंगे हम इसके अंदर। और इसके साथ साथ थोड़े से कटे हुए बादाम भी डाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अदरवाइज़ आप इसकी जगह पर वॉलनट्स भी डाल सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट जो है वो हमारे केक के अंदर आता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर और हमारे फेसबुक पेज यामी ट्रीट्स विद मीना को भी ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर आपको मेरी सारी रेसिपीज़ बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने एक पहले ग्रीस करा हुआ टेन रखा हुआ है, उसको मैंने नीचे बटर पेपर भी लगाया है। तो हम इसके अंदर हमारा बैटर जो है वो सारा का सारा पोर कर देंगे। देखिए, काफ़ी अच्छा थिक सा बैटर है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा टैप करेंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरह से टैप कर हम इसके ऊपर थोड़े से जो है जो जामुन का कंसंट्रेट था उसके थोड़े से पीसेस मैंने रख लिए थे और मैं वो इसके ऊपर से डाल रही हूँ।
तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको इसी तरह से भी बना सकते हैं। मैं इसको कढ़ाई में बनाना सिखाऊंगी आपको। आप चाहें तो आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं। ओवन पे आप इसको 40 मिनट्स तक जो है 180 डिग्री पे बनाएं और 10 मिनट्स पहले प्री हीट करके रखें। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर बादाम भी डाल दिए हैं और अब हम इसको इस तरह से कढ़ाई को मैंने 15 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था। आप इसको मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लें। अब हम इसको हम साथ में ही डालते सारी कवर कर देंगे और 60 मिनट्स तक हम इसको पकाएंगे। आपने इसको खोलना नहीं है 50 मिनट्स तक। अब देखिए 60 मिनट्स के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, ऊपर से काफ़ी ड्राई हो जाएगा। सेंटर में से सबसे लास्ट में पकता है, गीला रहता है और सेंटर में से जो है सबसे लास्ट में पकेगा। तो मैं यहाँ से चेक करके दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए एकदम साफ हमारा नाइफ आया, दैट मीन्स हमारा केक बन गया है। अब इसको निकाल लेंगे। अब ठंडा करने के लिए देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका केक ड्राई नहीं रहे तो आप एक बड़ा सा बर्तन जो है इसके ऊपर डाल दें। आपको कुछ भी कपड़ा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है और उसको ठंडा होने दें, तो इससे इसकी भाप के अंदर ही मॉइस्ट रहेगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं इसके साइड्स जो एजेस हैं वो नाइफ के साथ इस तरह से रिलीज कर दूंगी। वैसे भी देखिए एकदम साइड से एकदम ये निकला हुआ ही नज़र आ रहा है। अब हम एक प्लेट इसके ऊपर रखेंगे और इसको उल्टा कर देंगे और थोड़ा सा टैप करें और आसानी से हमारा केक जो है निकल जाएगा। और बटर पेपर को भी हम निकाल देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं, आप तो सिंपल जो आपके घर में वाइट पेपर होता है आप वो भी लगा सकते हैं अच्छी तरह से ग्रीस करके। तो ये देखिए हमारा केक बहुत ही अच्छा बना है। तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर बनता है। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें हमारी रेसिपी और नीचे लाइक बटन को भी ज़रूर दबाएँ और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप या फिर इस तरह से पाउडर शुगर जो है ड्रिजल कर सकते हैं। तो अगली बार हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट टाइम के लिए थैंक यू।